खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान में शार्ली हेब्दो के कार्टून पर विवाद काफी बढ़ गया है। इस्लाम पर मैक्रों की टिप्पणी पर हंगामा हो रहा है। 1.5 अरब मुस्लिमों की भावनाओं पर चोट का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं यहां पर फखर यूसुफ साहब। सर मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के ऊपर तो यूनाइटेड नेशन की टिप्पणी है कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ कैसा अत्याचार होता है। पाकिस्तान में किस तरह से वहां पर हिंदुओं के ऊपर या दूसरे वो धर्म जो जिनको इस्लामिक उन इस्लामिक सेक्ट्स को भी जिनको नहीं जो सत्ता में नहीं है जो प्रभाव में नहीं है उनके ऊपर तक वहां पर अत्याचार होता है तो वो नहीं दिखता पाकिस्तान के लोगों को, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जाती। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपने बात की कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के राइट्स के हवाले से, तो यहाँ पे जिस इशू को आप डिस्कस कर रहे हैं वो उसका ताल्लुक शायद इस चीज से नहीं है, फ्रांस का इशू और माइनॉरिटीज का इशू। माइनॉरिटीज के इशू के ऊपर मैं अक्सर बात करता हूँ, मैंने लिखा भी बहुत है इस इशू के ऊपर। यहाँ पे बताइए कैसे, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप यही तो कह रहे हैं कि दूसरे धर्म का सम्मान नहीं हो रहा है फ्रांस में, तो दूसरे धर्म का सम्मान पाकिस्तान में हो रहा है। मैं बताता हूँ इस इशू के ऊपर जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ जो कार्टून बनाए गए पेरिस में, उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान का स्टांस नहीं है, 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें बांग्लादेश और सबसे बढ़कर आप नहीं तो टर्की का नाम ले लीजिए ना। टर्की में क्या हुआ, टर्की में क्या हुआ, एक म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, क्या वहां सेकुलरिज्म है। मैं उस चीज का कायल नहीं हूं कि मतलब आपके 1+1 जो है वो जो 2 wrongs = 2 1 राइट नहीं हो सकता। अगर टर्की ने किया तो वो चर्च था और मैं उसके ऊपर भी मैंने कहा था कि इसको चर्च रहना चाहिए, उसने गलत किया, उसका ये मतलब नहीं है कि फ्रांस तो फिर वो कंट्री कैसे किसी को उपदेश दे सकता है जो खुद दूसरे धर्मों की रक्षा अपने यहां नहीं कर पा रहा। आपने बायकॉट की बात की तो सबसे पहला बायकॉट जो हुआ अरब मुल्कों में वो कुवैत ने किया, जिसकी $50,000 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद यूएई और सारे जो सुपर स्टोर है उनके शेल्फ से सारी जो फ्रांस मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं फखर भाई आ रहा हूँ। फखर भाई ठीक है, आपसे लंबी बात करेंगे, अभी और भी बात करनी है आपसे, लेकिन जरा एक खबर दिखा दें फिर मैं आता हूँ आपके पास। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।